हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिनाकल एसएससी मैथ्स 6800 प्लस चैप्टर 22 थर्ड एडिशन बुक से अलजेब्रा का क्वेश्चंस नंबर 61 से इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस नंबर 61 आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 26/5/2022 आफ्टरनून वाले शिफ्ट में। यदि ए स्क्वायर माइनस 4ए प्लस 1 बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/a प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बराबर के दोनों तरफ हम a से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a बराबर 4 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसे हम सजा करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और ये प्लस a प्लस 1/a। तो यहाँ पर a प्लस 1/a का मान 4 है, तो इतना का मान तो यहाँ पर हम 4 रख सकते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालना है तो ये क्या होगा, सभी लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 2 तो 14। यहाँ पर हम 14 रख सकते हैं इसके स्थान पर, तो 14 प्लस 4 कितना हो गया, 18। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 18। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चंस नंबर देखिए 62 एसएससी सीएचएसएल 26/5/2022 आफ्टरनून वाले शिफ्ट में पूछा गया है यह प्रश्न। यदि x माइनस 1/x बराबर 7/3 तो x क्यू माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। पहले इधर कंसेप्ट हम बता देते हैं कि x माइनस 1/x बराबर अगर जो k रहता है तो x क्यू माइनस 1/x³ क्या होता है, k का क्यू और प्लस 3 गुना के होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बनाने जा रहे हैं, x माइनस 1/x बराबर 7/3 है, यानी k का मान कितना दिया है, तो देखिए 7/3 दिया है। तो x क्यू माइनस 1/x³ क्या होगा, यहाँ पर देखिए k का क्यू, तो हम लिखेंगे k के स्थान पर 7/3 है, तो 7/3 का क्यू, फिर प्लस 3 गुना k, यानी कि 3 गुना k का मान 7/3। ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं एक बार में। अब 7 का क्यू 343 बटे 3 का क्यू 27 और प्लस 1 गुना 7 तो 7, ये आपका 343 बटे 27 है। तो इसे भाग देंगे तो कितना होगा, 27 एकम 27, उसके बाद यहाँ पर 7 बचेगा, फिर 7 और 3 73 में 27 से भाग देंगे, 27 दूनी 54, 73 में से आपको 54 घटाना है, 19 शेष बचेगा और ये 19/27 लिखेंगे प्लस 7, यानी कि 12 प्लस 7 तो कितना हो गया 19, यानी कि 19 पूर्णांक 19/27। कौन सा ऑप्शन है 62 का, देखते हैं ऑप्शंस नंबर आपका ये दिया गया है बी नंबर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 63। क्वेश्चंस नंबर देखिए 63 पूछा है एसएससी सीएचएसएल 26/5/2022 इवनिंग वाले शिफ्ट में। यदि एक्स प्लस 1/x बराबर 11/5 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर पहले कंसेप्ट जानिए, x प्लस 1/x बराबर अगर जो k रहता है तो x³ प्लस 1/x³ का मान होता है k का q और माइनस 3 गुने k होता है। तो यहाँ पर देखिए, x प्लस 1/x बराबर 11/5 दिया है तो k का मान कितना दिख रहा है आपको, 11/5। तो x³ प्लस 1/x³ हम बनाते हैं क्या होगा, फॉर्मूला के अनुसार k q माइनस 3 के, तो 11/5 का q और माइनस 3 गुना कितना होता है k, तो k का मान 11/5 देंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो 11 का q 1331 होता है, 5 का q कितना होता है 125 होता है, माइनस ये कितना हो जाएगा 11/33/5 हो जाएगा। अब देखिए, आधार को हम समान कर सकते हैं, यहाँ 25 से गुना कर देते हैं तो ये आपका 25/25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 125 है तो हर में हमने 25 से गुना किया है तो अंश में भी 25 से गुना करना होगा। अब इसे सोल्व कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा कितना 125 और ये 1331 में से आपको घटाना है, 23/25 कीजिए कितना होगा, तो 25/75 के 5 बाकी 7, 25/75 और 7 कितना होगा 82। अब घटा दीजिए तो 11 में से 5 जाएगा 6 होगा, उसके बाद यहाँ पर 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर से आपको 13 में से 8 घटाना है तो कितना होगा, ये आपका 5 हो जाएगा, इतना बटे 125। अब आप जानते हैं 125 चौके कितना होता है, 125 चौके 500 होता है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं 4 पूर्णांक 6 शेष बचेगा तो 6/125। ये कौन सा ऑप्शन है, तो 63 का देखते हैं,
63 का, ये आपका ऑप्शंस नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस नंबर 64, क्वेश्चंस नंबर देखिए 64 आपका पूछा है एसएससी सीएचएसएल 26/5/2022 इवनिंग वाले शिफ्ट में, यदि 1+x² + x^4 = 585 है और 1-x + x² = 65 है, तो 1+x + x² का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि 1+x² + x^4 = क्या होता है, 1-x, और ये +x² × 1+x + x², मतलब ये दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है। अब देखिए ये आपके प्रश्न में कितना दिया है, 585 दिया है, और ये कितना दिया है, 65 दिया है, और ये आपसे पूछा है कि कितना होगा, तो यहाँ पर 65 नामा कितना होता है, 585, यानी कि 1+x + x² का मान हो गया 9, ऑप्शंस नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए 65, क्वेश्चंस नंबर देखिए 65 आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 26/5/2022 इवनिंग वाले शिफ्ट में, यदि ए बराबर 2022, बी बराबर 2021 और सी बराबर 2020, तो a² + b² + c² - ab - bc - ca का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इतना बराबर क्या होता है, जो पहले जान लीजिए, 1/2 × a - b² फिर b-c² + c-a² ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 1/2, अब a माइनस बी पहले कीजिए, यानी 2022 में से आपको 2021 घटाना है, तो एक बचेगा, एक का यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं इस तरह से, फिर प्लस b-c आपको करना है, 2021 में से आपको 2020 घटाना है, तो एक बचेगा, फिर यहाँ पर आपको एक का स्क्वायर करना है, प्लस c-a, यानी 2020 में से आपको 2022 घटाना है, तो -2 बचेगा, तो -2 का यहाँ आपको स्क्वायर करना है। अब इससे सॉल्व कीजिए, तो 1/2, एक का स्क्वायर एक, यहाँ भी एक का स्क्वायर एक, और -2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1/2 × 4 = 5 = 6, तो 2 × 3 = 6, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, क्वेश्चन नंबर देखिए 66 आपका पूछा है एसएससी सीएचएसएल 27/5/2022 मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, यदि x² + 4y² = 40 है, x y = 6 है, x > 2y है, तो x - 2y का मान आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले x - 2y का होल स्क्वायर सभी लोग जानते हैं क्या होगा, x का स्क्वायर यानी कि इस तरह से, फिर प्लस यहाँ पर 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y² हो जाएगा, फिर -2 × x × 2y, यानी कि हम बोल सकते हैं कि -4xy हो जाएगा, तो स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये रूट अंडर में हो जाएगा, हम लिख सकते हैं x - 2y = √x² + 4y² - 4xy। अब देखिए x - 2y हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए x² + 4y² का मान दिया है 40, तो यहाँ पर 40 हमने लिखा, फिर -4 × x y का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 हमने दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 40 - 4×6 = 24, 40 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है सभी लोग जानते हैं 4 होता है, तो ये कौन सा ऑप्शन है 66 का, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67, ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 27/5/2022 मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, जब x = 1 y = 2 है, तो x² + y² का मान क्या होगा, तो x के स्थान पर 1 रखना है, तो 1² + y के स्थान पर 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर, 1² + 2 का स्क्वायर = 4, यानी कि 4+1 = 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 68, क्वेश्चंस नंबर देखिए 68 आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 27/5/2022 इवनिंग वाले शिफ्ट में, यदि x² - 8x + 1 = 0 है, तो x^8 - 3842 x^4 + 1 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले दोनों तरफ जब हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + 1/8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें 8
पावर तक पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो पावर में हमें जाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर करना है, तो ये आठ का स्क्वायर माइनस दो यानी कि क्या हो जाएगा, आठ का स्क्वायर माइनस दो तो हम बोल सकते हैं चौसठ माइनस दो यानी कि बासठ हो गया। फिर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे यानी कि एक्स पे पावर चार प्लस एक बटा एक्स पे पावर चार, तो क्या होगा अब की बार फिर करना होगा बासठ का स्क्वायर माइनस दो, तो बासठ का स्क्वायर कितना होगा, तो 50 से 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144 का अंतिम दो अंक लिखेंगे यानी कि 44 और बाकी एक आपका रहा। उसके बाद 25 में आपको 12 जोड़ देना है, तो 25 12 37 और बाकी एक 38 यानी कि 3844 होगा 62 का स्क्वायर, इसमें से दो घटा दीजिए तो कितना होगा 3842। अब देखिए यहाँ पर हम इसे सजा करके लिख सकते हैं एक्स पे पावर चार बटे एक प्लस एक बटा एक्स पे पावर चार बराबर कितना 3842 बटे एक हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, तो एलसीएम हम ले सकते हैं एक्स पे पावर चार, यहाँ पर एक्स पे पावर चार गुना एक्स पे पावर चार तो एक्स पे पावर आठ हो जाएगा प्लस एक गुना एक तो एक हो जाएगा और ये 3842 बटे एक। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए तिरछे तिरछे गुना कर सकते हैं, तो एक्स पे पावर आठ प्लस एक बराबर एक्स पे पावर चार गुना 3842 तो 3842 गुना एक्स पे पावर चार होगा। अब देखिए बराबर के एक तरफ सभी को कर देते हैं, तो ये एक्स पे पावर आठ है ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3842 और कितना एक्स पे पावर कितना है एक्स पे पावर चार है, उसके बाद ये प्लस वन हमने लिखा और बराबर आपका जीरो हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा था x पे पावर 8 माइनस 3842 x पे पावर 4 प्लस 1 का मान कितना होगा, तो जीरो हो रहा है यानी कि जीरो कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, क्वेश्चन नंबर देखिए 69 पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 27/5/2022 इवनिंग वाले शिफ्ट में 144x² माइनस 36x प्लस 9 बटा 4 को ब्लैंक स्पेस लिखा है के वर्ग के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, यानी कि इसको वर्ग के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये किसका वर्ग है जो आपको बताना है। तो देखिए 144x² तो इसे लिख सकते हैं 12x² और इधर देखिए प्लस 9 बटा 4 है तो इसे लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab का फॉर्मेट है तो माइनस 2 गुना यहाँ 12x लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये 3/2 लिख सकते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 12×36x सही लिखा गया है, यानी कि 12x माइनस 3/2 का ये क्या है होल स्क्वायर है, तो ये आपका ये वाला फॉर्मेट हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में रहना चाहिए 12x माइनस 3/2 का वर्ग, इस तरह से आपको ऑप्शन रहना चाहिए, ये कौन सा ऑप्शन है। तो 69 का देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, ये पूछा गया है प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 27/5/2022 इवनिंग वाले शिफ्ट में यदि बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 बराबर 0 है तो बी स्क्वायर प्लस 1/b² प्लस 3b माइनस 3/b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बराबर के दोनों तरफ b से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका b माइनस 1/b बराबर 4 हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप कंसेप्ट जानते होंगे, इधर हम थोड़ा रफ करते हैं, x माइनस 1/x बराबर k रहता है तो जब इसका वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, के का स्क्वायर प्लस 2 होता है, सभी लोग जानते होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1/b² बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4×16 प्लस 2 यानी कि 18 हम लिख सकते हैं। अब देखिए इतना का वैल्यू तो हमें पता हो गया 18, अब 3b माइनस 3/b का मान चाहिए, तो देखिए दोनों तरफ क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं यानी कि 3×b माइनस 1/b और इधर भी आपको 3 से गुना करना है मतलब 3×4, तो ये 3b माइनस 3/b बराबर कितना हो गया 12। तो ये देख सकते हैं आप इसका भी मान हमने मालूम कर लिया 12 हो गया ये और इसका मान कितना हो गया 18, ये आपका 18 हो गया और ये प्लस है और ये आपका कितना हो गया 12, तो 18 प्लस 12 कितना होता है 30। 30 कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है 70, ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर देखिए 71, दो संख्याओं का योग 17 है और उनका गुणनफल 34 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, एसएससी सीएचएसएल 30/5/2022 मॉर्निंग वाले शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है।
तो दो संख्याओं का योग 17 है, तो पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या हम y मानते हैं, दोनों का योगफल कितना दिया है आपके प्रश्न में, 17 दिया है। आगे देखिए लिखा है और उनका गुणनफल 34 है, यानी कि x और y का गुणनफल कितना दिया है आपके प्रश्न में, 34 दिया है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि x का वर्ग और y का वर्ग का योगफल, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, दैट मींस कहने का मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर, तो इधर आपको 17 का स्क्वायर करना होगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या होता है 2xy, और 17 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं 289 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको निकालना है, ये प्रश्न में बोला है, और इधर आपका प्लस 2xy है, तो 2 गुना एक्स गुना वाई का मान 34 है, तो यहाँ पर 34 रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं, यहाँ 289 में से आपको 34 दूनी 68 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, और 28 में से 6 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि 221 कौन सा ऑप्शन है, 71 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 221। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 30/5/2022 मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, यदि 8x³ प्लस 27y³ प्लस 64z³ बराबर 72xyz, तो x y और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, aq प्लस bq प्लस cq बराबर 3abc का फॉर्मेट है, यानी कि यहाँ हम रफ करते हैं, आपको ये आना चाहिए aq प्लस bq प्लस cq बराबर 3abc, ये कब होता है आपको मालूम होना चाहिए, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तभी आपका ये होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सजा करके लिख सकते हैं, 2x का ये q है, ये 3y का q है, और ये आपका 4z का q है, तो यहाँ पर y फॉर्मूला लिख सकते हैं 3abc, यानी कि 3 गुना a का मान कितना 2x गुना b का मान कितना 3y गुना c का मान कितना, यानी कि यहाँ पर 4z, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4z, इस तरह से आगे लिख देते हैं, गुना कर दीजिए 4 × 12 × 24 72xyz हो रहा है, दैट मींस कहने का मतलब a का मान 2x हो गया, b का मान 3y हो गया, और c का मान कितना हो गया 4z हो गया, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। y फॉर्मूला a प्लस b प्लस c बराबर 0 होना चाहिए, दैट मींस कहने का मतलब यहां पर 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0 होना चाहिए। अब इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर प्लस 4z उधर जाएगा तो माइनस 4z हो जाएगा, 0 − 4z, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर −4z, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, क्वेश्चन नंबर देखिए 73 आपका पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 30/5/2022 मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, इतना का मान आपको बताना है क्या होगा। तो एक बेसिक फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, क्या होता है, aq माइनस bq बटे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर होना चाहिए a माइनस बी का, ये आपको आता होगा, या उल्टा भी बोल सकते हैं इस तरह से भी कि aq माइनस bq बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू, ये तिरछे तिरछे गुना हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सभी लोग को आता होगा, तो इसे ही इस तरह से लिख सकते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब अब इसको सजा करके लिखना चाहे तो ये देखिए ए के स्थान पर आपको 5.4 है ए क्यू, तो इधर 5.4 का क्यू, इधर बी क्यू, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.4 का क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा 0.4 का क्यू ही है 0.064। अब देखिए आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि ए के स्थान पर कितना है 5.4 और बी के स्थान पर कितना है 0.4। आप यहां भी टेस्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर यानी 5.4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर, यहां पर आपका ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस ए बी, तो यहां पर ए गुना बी करेंगे तो 54 × 4 करेंगे तो 216 होगा, यानी कि 2.16 हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए माइनस बी। दैट मीन्स कहने का मतलब ए माइनस बी यानी कि 5.4 में से आपको 0.4 घटाना है तो सिर्फ 5.0 यानी कि 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74,
क्वेश्चंस नंबर देखिए 74 आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 30/5/2022 आफ्टरनून वाले शिफ्ट में जेड के सभी वास्तविक मानों के लिए सर्व समय का ये जो दिया गया है तो ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का मान क्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसे गुना कर दीजिए, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा 4z और प्लस 428 इस तरह से लिख सकते हैं और ये आपका क्या है 2z माइनस 1 इतना बराबर ये लिखते हैं az स्क्वायर प्लस bz और प्लस c है। अब देखिए 4z से पहले ये दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4×2 8z स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 1 गुना 4z तो ये आपका माइनस 4z हो जाएगा। अब 28 से इसमें गुना करेंगे तो 28×2 कितना हो जाएगा 56z और 1 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 28 हो जाएगा, इतना बराबर az स्क्वायर प्लस bz और प्लस c। अब देखिए इसे सजा करके लिख सकते हैं 8z स्क्वायर 56z माइनस 4z तो प्लस में आपका ये 52z हो जाएगा, इसके बाद ये माइनस 28 को लिख सकते हैं प्लस और ब्रैकेट में माइनस 28 और ये az स्क्वायर प्लस bz और प्लस c के बराबर है ये। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहां देखिए az स्क्वायर तो इधर 8z स्क्वायर है यानी कि a के स्थान पर कितना है 8 तो a का मान कितना हो गया 8, प्लस है तो प्लस है, यहां देखिए 52z इधर आपका bz है यानी कि b के स्थान पर कितना है 52 तो b का मान 52 हो गया, इसके बाद प्लस तो प्लस, यहां माइनस 28 तो यहां c है यानी c का मान कितना है माइनस 28। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा है a स्क्वायर माइनस b माइनस c, तो सबसे पहले यहां पर a स्क्वायर आप कर लीजिए, a स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64। अब क्वेश्चंस लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b माइनस c का मान पूछा है तो a स्क्वायर मतलब 64 फिर माइनस b का मान कितना है 52 और माइनस c का मान कितना है माइनस 28। अब देखिए इसे सोल्व कीजिए तो 64 माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 28 हो जाएगा। अब पहले प्लस वाला को जोड़ दीजिए 64 और 28 कितना होगा तो 4×8 12 के 2 बाकी 1 2×6 8 और 1×9 उसके बाद ये 52 आपको घटा देना है तो ये आपका 40 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो 74 का देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।